हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, बच्चों क्लास 10th का। हम मैथ्स कर रहे हैं और आपका चैप्टर है बच्चों एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो बच्चों, ये एक हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं प्रीवियस सेशन में जो हम चैप्टर कर रहे थे, जो कि है सर्कल्स, ठीक है, वृत्त। तो बच्चों, इस चैप्टर में काफी सारे चीजें, काफी सारे टॉपिक्स हम कर चुके हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट देखिए यहाँ पे क्या है, दो तीन चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स क्या होती हैं, सीकेंट्स क्या होती हैं, ठीक है, ये चीज है। और टेंजेंट्स को लेके आपको दो थ्योरम प्रोवाइड की गई है। एक तो ये है 10.1 जो होती है कि भाई कोई टेंजेंट अगर सर्कल पे होती है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे उस सर्कल का रेडियस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। और दूसरी थ्योरम ये है कि अगर किसी हम पॉइंट से सर्कल पे दो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो इन दोनों की लंबाई सेम होती है। तो ये बेसिक चीजें हैं। इसके आधार पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं, बहुत सारे प्रूफ्स किए हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। किसी बच्चे को कोई डाउट है इससे रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। दो एक्सरसाइज थी, कुछ कुछ क्वेश्चंस हमने उसमें से किए हैं, बाकी आपको खुद ही करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट हमने सीख लिए हैं, क्वेश्चन तो आप अपने आप लगा सकते हैं। तो किसी बच्चे को कोई डाउट है, अभी स्टार्टिंग के आपके पास है, दो तीन मिनट आप पूछ सकते हैं। तब तक अगला चैप्टर, जो अगला टॉपिक है, उसको करेंगे हम स्टार्ट। तो यहां पे सबसे पहले आपके सामने इंट्रोडक्शन आएगा। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, सर्कल्स के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं अभी तक। पिछला चैप्टर भी सर्कल्स के बारे में था, तो सर्कल्स के बारे में बेसिक नॉलेज तो आपको हो गई होगी, है ना। तो एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ये सर्कल है और मैं कुछ चीजें लिखता हूं, टर्म्स लिखता हूं, वो आपको इस सर्कल पे, ये सर्कल बनाइए अपनी नोटबुक में और वो टर्म्स इस सर्कल पे आपको बना के दिखानी है, बना के देखनी है कि कहां पे कौन सी टर्म बनेगी। जैसे रेडियस, रेडियस कौन सा होता है सर्कल का, उसको हाईलाइट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, रेडियस क्या होता है, ये क्या होता है, ये सेंटर पॉइंट होता है ना, सेंटर पॉइंट, मध्य बिंदु सर्कल का केंद्र जिसको हम बोलते हैं। रेडियस क्या होता है, यहां से यहां एक लाइन खींच दी, वो रेडियस हो गया। फिर डायमीटर, डायमीटर रेडियस क्या हो गया, रेडियस को हम त्रिज्या बोलते हैं, डायमीटर को व्यास बोलते हैं, ठीक है, डायमीटर को व्यास बोलते हैं। और होता है सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये भी आपको पता है, सर्कमफेरेंस यानी परिधि, ठीक है, सर्कमफेरेंस यानी परिधि। क्षेत्रफल कौन सा होता है, ये भी आपको पता है, एरिया जिसको हम बोलते हैं। तो देखिए, चैप्टर का नाम भी एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, एरिया यानी क्षेत्रफल। सर्कमफेरेंस और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये लिख लीजिए आप, और क्या चीज यहाँ पे आप दर्शा सकते हैं। देखिए, हम कोर्ड, कोर्ड क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए, जिसको जीवा बोलते हैं। और क्या होता है, और बच्चों हमने सेक्टर और सेगमेंट के बारे में पढ़ा था, है ना। सेक्टर पिछले चैप्टर में भी हमने डिस्कस किया था, सेक्टर एंड सेगमेंट क्या होता है, ये भी आप बना के देखिए, ठीक है, और यहाँ पे इनके फॉर्मूले लिख के देखिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें हो जाएंगी, बेसिक टर्म्स हो जाएंगी, जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है इस चैप्टर में आगे जाके। तो एक बार रिवाइज करिए, कोई चीज इसमें से नहीं आती है आपको समझ में, हैंड रेज करके पूछ सकते हैं आप। तो बच्चों, ये चीज आपने समझ ली है, कर ली है, इस पे मार्क। देखिए, मैं आपको बता दूं फिर भी, जैसे रेडियस है, रेडियस क्या हो गया, ये रेडियस हो गया आर फोर रेडियस, ये डायमीटर हो गया डी फोर डायमीटर, क्लियर है। अगर हम कोर्ड बनाते हैं तो ये आपकी कोर्ड हो गई सी फोर कोर्ड, क्लियर है। सर्कमफेरेंस क्या हो गया, देखिए अगर हम ये पूरा सर्कल, ठीक है, इसकी बाउंड्री देखते हैं,
तो ये हो गई सरकमफेरेंस। लेकिन अगर हम इसका छोटा सा पार्ट देखते हैं, यहां से यहां तक मान लीजिए, तो इसको हम आर्क बोलते हैं, यानी चाप। क्लियर है? फिर क्षेत्रफल, इसके अंदर का जितना भी बाउंड्री के अंदर एरिया है, क्षेत्रफल है, ठीक है, ये हो जाता है। फिर आपका कोर्ड हमने देख लिया है, और उसके बाद सेक्टर और सेगमेंट आता है। सेक्टर आता है बच्चों त्रिज्याखंड। क्या आता है? त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड तो ये बच्चों हम सीख चुके हैं क्या है, ठीक है। तो अगर दो रेडियस है, उनके बीच का जो हिस्सा है, जैसे मान लीजिए एक ये रेडियस है, एक ये रेडियस है, ठीक है, इसके बीच का हिस्सा, इसको सेक्टर बोल देंगे हम, त्रिज्याखंड। और सेगमेंट क्या होता है? जो कोर्ड है ये दो हिस्सों में डिवाइड करती है सर्कल को, तो ये दो सेगमेंट हो जाते हैं इसके। ये हम अभी बेसिक चीजें कर रहे हैं, डिटेल में हम इसको समझेंगे आगे, धीरे धीरे जैसे करेंगे तो डिटेल में समझेंगे। ये वृत्तखंड हो जाता है। तो टर्म्स आप समझ लीजिए, आगे आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, है ना, 2πr, जहां पे पाई हमारा क्या हो सकता है? पाई हो सकता है बच्चों 22/7 और 3.14, ये चीज है। उसके बाद क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। क्लियर है इतना? अब बच्चों सर्कल के बारे में हमने सीख लिया है, लेकिन यहीं पे सर्कल ना होके सेमी सर्कल होता तो क्या करते आप? अब हम बात करते हैं सेमी सर्कल की, अर्धवृत्त जिसको हम बोलते हैं। क्या? अर्धवृत्त हम इसको बोल सकते हैं, अर्धवृत्त, ठीक है। क्या होता है बच्चों? अर्धवृत्त बनाना बहुत ही सिंपल है, इजी है। क्या करना है? एक सर्कल है, हम उसका, ये सर्कल है जैसे, तो इसका हम सिर्फ आधा भाग बनाएंगे अर्धवृत्त के लिए। आधा सर्कल हो गया, अर्धवृत्त हो गया। क्लियर है? नाम से ही पता लग रहा है। अब यहाँ पे अगर आधा सर्कल है तो क्या हुआ? चीजें तो इसमें भी वही होंगी, जैसे ये रेडियस हो गया, है ना। और अगर इस पूरे की बात करें तो ये डायमीटर हो गया, ये रेडियस हो गया यहां से यहां तक, और इसको हम डायमीटर बोल देंगे, है कि नहीं। तो अगर इस अर्धवृत्त का आपको निकालना है एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, तो क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल जो होता है 2πr, पाई आर स्क्वायर, ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका आधा कर देंगे, क्योंकि ये भी तो सर्कल का आधा है, तो एरिया भी इसका आधा हो जाएगा। सीधा सीधा हिसाब किताब है भाई, यहाँ पे ये सर्कल है, अगर मैं इसका आधा हिस्सा कर देता हूं तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? अगर आधे हिस्से का निकालना है तो सर्कल का एरिया जो आता है उसका आधा कर देंगे। क्लियर है? वही चीज हमने किया है। सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये चीज समझना बच्चों। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, इसका भी आधा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? सर्कमफेरेंस ये पूरा होता है बाउंड्री इसकी, तो आधी बाउंड्री कहां से कहां तक आएगी? ये सिर्फ यहां से लेके यहां तक ही आधी बाउंड्री आएगी, है ना। लेकिन जब सेमी सर्कल की बात करते हैं, अर्धवृत्त की बात करते हैं, तो उसमें देखिए ये जो डायमीटर है ये एक्स्ट्रा होता है ना, ये जो डायमीटर है ये भी तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसीलिए या तो हम डायमीटर कर देंगे, या फिर डी किसके बराबर होता है? 2R, या फिर 2R यहाँ पे लिख सकते हैं, है ना। डायमीटर ऐड कर सकते हैं या तो हम, या 2 × रेडियस ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? इसको 2 से 2 को काट दिया, पाई आर प्लस 2R, ये आपका क्या हो गया? सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो ये आपके सामने आ सकता है कभी भी निकालने के लिए, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये समझ में आ गया सबको? कोई इसमें डाउट है आप पूछ सकते हैं अभी भी। चलिए अगला टॉपिक हम यहाँ पे करेंगे, एक और टॉपिक है जो डिस्कस कर सकते हैं अभी हम। ये हो जाता है बच्चों एरिया ऑफ रिंग,
एरिया ऑफ रिंग। अब रिंग क्या हुई? ये चीज डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ये है एक हमारे पास सर्कल, तो ठीक है, ये देख सकते हैं, ये दो सर्कल आपको दिख रहे हैं, दो वृत्त हैं यहाँ पे, और एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है। ये चीज क्लियर है? ये छोटा सर्कल का रेडियस हो गया, है ना, और ये हो गया बड़ा सर्कल का रेडियस। तो एक हो गया, इसको कैपिटल आर से, इसको स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं। ये चीज समझ में आ गई? तो इसके बीच में देखिए, एक चीज आपको इसके बीच में दिख रही होगी, ये इसको रिंग बोलेंगे बच्चों। क्या बोलेंगे? ये रिंग हो जाती है। तो कई बार इस रिंग का एरिया निकालने के लिए आपको आता है, तो कैसे करेंगे? अब जो ये बड़ा सर्कल है, इसको हम लार्ज सर्कल बोल सकते हैं, बड़ा वृत्त, है ना, या फिर बाहर का वृत्त, जो भी आपको सही लगे। और जो ये छोटा सर्कल है ना, छोटा सर्कल को क्या बोलेंगे? स्मॉल सर्कल बोल दीजिए, या फिर इनर सर्कल, अंदर वाला सर्कल, और बाहर वाले को आउटर सर्कल। तो आप जैसे अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग आपको लगे। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, तो क्या होगा? एरिया यहां पे हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ आउटर सर्कल, आउटर सर्कल, ठीक है, ये लार्ज सर्कल या फिर आउटर सर्कल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, और इसको इनर सर्कल। एरिया ऑफ आउटर सर्कल निकाल देंगे, तो आउटर सर्कल का जब क्षेत्रफल निकालेंगे बच्चों, तो यहां से यहां तक इसका रेडियस है, मतलब पूरे अंदर वाले सर्कल प्लस बाहर वाले सर्कल, पूरे का एरिया निकल जाएगा। ये चीज समझना, अगर इसको निकाल के हम इसमें से घटा देते हैं एरिया ऑफ इनर सर्कल, तो क्या बच जाएगा? सोचिए भाई, ये बाहर का सर्कल है, पूरा एरिया निकल गया, ये अंदर वाला बाहर का सारा एरिया निकल गया, और उसमें से सिर्फ जो ये अंदर वाला छोटा सर्कल है, इसका क्षेत्रफल घटा दो, तो क्या बच जाएगा? जो ये रिंग है, इसका क्षेत्रफल बच जाएगा आपके पास। तो यहां पे आपका आएगा एरिया ऑफ आउटर सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यही होता है एरिया। इनर सर्कल का पाई छोटा आर स्क्वायर, ये आ गया बच्चों, और इसमें से पाई कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा? कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, वो अपने अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाता है एरिया ऑफ रिंग। नोट डाउन करिए, फिर हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज से। तो ठीक है बच्चों, ये क्लियर है? किसी को कहीं कोई डाउट है इसमें पूछ सकता है। चलिए अब क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चों यहां पे अब आगे क्वेश्चंस करेंगे, आपके लिए क्वेश्चंस होंगे, तो इसीलिए मैं बार बार पूछ रहा हूं, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। जीजीआईसी फागलपुरमा, बेटा समझ में आ रहा है आपको? अगर समझ में आ रहा है तो हाथ खड़ा कीजिए अपना। सबको समझ में आ गया? वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए। जीआईसी डूंगरी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। दैट मीन्स, ठीक है बेटा, हाथ नीचे कर लीजिए, दैट मीन्स वी आर ऑन द सेम पेज, कोई डाउट नहीं है किसी को। तो क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो ये है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, इसको नोट डाउन करेंगे सबसे पहले तो, और क्वेश्चन को समझेंगे हम। काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चैप्टर भी आपके आपके लिए, इसीलिए इसको ध्यान से करेंगे, ध्यान से समझेंगे, ठीक है? तो क्या बोला गया है? फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज का। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली।
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सेमी विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफेरेंसेस ऑफ द टू सर्कल्स। क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में हम समझेंगे। देखिए बोला गया है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो बहुत सिंपल सा सवाल है बच्चों, देखिए ध्यान से, दो वृत्त आपको दिए गए हैं, दो वृत्त आपको दिए गए हैं, ये दो वृत्त हो गए, ये दो सर्कल हो गए। अब यहाँ पे एक का जो क्या दिया है, त्रिज्या दी गई है वो 9 सेंटीमीटर है और दूसरे की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर, तो एक छोटा है एक बड़ा है, ऑब्वियस सी बात है वृत्त। तो यहाँ पे ये दो वृत्त दिए गए हैं। अब बोला गया है कि आपको क्या करना है, आपको त्रिज्या फाइंड आउट करनी है, त्रिज्या बतानी है तीसरे वृत्त की, ठीक है, तीसरे वृत्त की, इस वृत्त की त्रिज्या बतानी है, ये रेडियस कितना होगा ये आपको बताना है। तो एक चीज हमें पता है यहां से, क्या पता है कि भाई जो इसका सर्कमफेरेंस है और जो इसका सर्कमफेरेंस है, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, तो और ये C3 हो गया, सर्कमफेरेंस या फिर परिधि हम बोल देते हैं, C1 C2 C3 से हम लिख रहे हैं, तो C1 प्लस C2 किसके बराबर है, C3 के बराबर है, ये चीज हमें पता है। इसकी मदद से और ये जो दो रेडियस हैं इनकी मदद से हमें फाइंड आउट करना है ये तीसरा रेडियस, क्लियर है। तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए और सॉल्व कीजिए, सॉल्व करके बताएंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है, अगर किसी बच्चे को डाउट है आप हैंड रेज करके अभी अपना डाउट पूछ सकते हैं, हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ लीजिए। जीआईसी डूंगरी बेटा क्या चल रहा है ये क्लास में, आप भागा दौड़ी क्यों कर रहे हैं, आराम से बैठ जाइए, बाकी बच्चों को पढ़ने दीजिए एटलीस्ट, तो शांति पूर्वक बैठें बेटा आप क्लास में, और यहाँ पे क्लास चल रही है, थोड़ा ध्यान दे इस तरफ, और अगर कोई डाउट है, कोई चीज नहीं समझ में आई है आपके, तो अभी आप पूछ लीजिए इमिडिएटली, कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अगर सब क्लियर है तो इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो जल्दी से सॉल्व करके हैंड रेज करेंगे आप। तो बच्चों बताइए किसका आंसर आया है, जिस बच्चे का आंसर आ गया हो, शाबाश, GGIC फागलपुरमा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा आपका आंसर आया है, वेरी गुड। GGIC बड़कोट, बेटा आपका भी आया किसी का आंसर, अगर किसी बच्चे का आंसर आया है हैंड रेज कीजिए, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, शाबाश। तो चलिए कौन बताएगा, सबसे पहले कौन बताएगा आंसर, माइक ले लीजिए कोई भी बच्चा, GGIC फागलपुरमा, बोलिए बेटा बोलिए, शाबाश, 28, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, बिल्कुल सही आंसर आपका, क्या नाम है, राशि, राशि, वेरी गुड राशि, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, अब बता क्यों नहीं रहे थे, एकदम सही आंसर निकाल के बैठे हो आप तू, 28, वेरी गुड। तो बच्चों यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का आंसर है 28, तो मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स का आंसर आ गया होगा, फिर भी कुछ बच्चों का हो सकता है नहीं आया हो, तो मैं आपके लिए थोड़ा चीजें आसान कर देता हूं और एक बार सॉल्व करके दिखा देता हूं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो आप देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन लिखूंगा आपको आपके लिए सिर्फ एक ही लैंग्वेज में, आप अपने कम्फर्ट के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, जो इनकी त्रिज्या गिवन है वो लिख लेंगे, यानी रेडियस, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सर्कल, पहला जो सर्कल है उसका रेडियस R1 हम बोल सकते हैं, ये कितना हो जाता है, कितना गिवन है, 19 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है, ये पहला सर्कल, इसको बोल देते हैं रेडियस है 19 सेंटीमीटर, जिसको R1 हम बोलेंगे, रेडियस ऑफ सेकंड सर्कल R2 से हम इसको डिनोट कर सकते हैं, ये 9 सेंटीमीटर है,
और रेडियस ऑफ थर्ड सर्कल, इसको आर थ्री बोल दीजिए, ये हमें निकालना है। ये हमें नहीं पता बच्चों, ये निकालना है। तो और क्या गिवन है, और आपको सर्कमफेरेंस गिवन है, है ना? गिवन नहीं है तो निकाल लेंगे। सर्कमफेरेंस यानी परिधि, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल क्या होगा बताइए? परिधि होती है 2 पाई आर, तो पहला सर्कल का रेडियस तो आर वन है ना, तो 2 पाई आर वन लिख लीजिए। अब मुझे बताइए 2 पाई एज इट इज, आर वन कितना है 19, ठीक है ये आ जाएगा, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अब सेकंड सर्कल की बात करते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ सेकेंड सर्कल, ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर टू, 2 पाई एज इट इज, आर टू कितना है 9, इतने सेंटीमीटर, ये दूसरे सर्कल का सर्कमफेरेंस होगा, पहले का ये दूसरे का ये, याद रखना। अब क्वेश्चन में गिवन है, इट इज गिवन, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या बोला गया है कि सर्कमफेरेंस किसके इक्वल है टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द टू सर्कल, जो तीसरा सर्कल है यानी सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल किसके बराबर है, सर्कमफेरेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल प्लस सर्कमफेरेंस ऑफ सेकंड सर्कल, भाई पहले व्रत और दूसरे व्रत की परिधि के योग के बराबर है तीसरे व्रत की परिधि, यही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो देखिए क्या क्या लिखना है वो आप प्रॉपरली इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, आंसर हालांकि आपका सही होगा लेकिन प्रॉपर तरीका भी आप यहाँ पे देख ले, ठीक है? तो हिंदी इंग्लिश जैसे लिखना चाहें वैसे लिख सकते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया है, नोट डाउन कर लीजिए, किसी को कोई चीज पूछनी है आप पूछ सकते हैं बेझिझक हैंड रेज करके। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन, अब इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो क्या आ जाएगा सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल किसके बराबर आएगा, पहले वृत्त का सर्कमफेरेंस क्या है ये है लिख लीजिए और दूसरे का ये है, दोनों को लिख लीजिए 2 पाई इंटू 19 प्लस 2 पाई इंटू 9, क्लियर है? और सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल ये क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ थर्ड सर्कल ये हो जाएगा 2 पाई इंटू आर थ्री, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबके फॉर्मूले लिख दिए, सर्कमफेरेंस यानी परिधि का फॉर्मूला तो आपको आता है ना 2 पाई आर, तो जहां पे आर वन है आर वन लिख दिया, आर टू है आर टू, आर थ्री है आर थ्री, बस यही किया है मैंने, तो 2 पाई आर थ्री एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, या तो आप कर सकते हैं इस 2 पाई को कॉमन ले सकते हैं, है ना, 2 पाई को बाहर ले लीजिए, अंदर आ जाएगा 19 प्लस 9, कुछ नहीं करना, 19 प्लस 9 ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा, कॉमन लेना तो आता है ना आपको, तो यहां से कॉमन ले लीजिए, ये तो छोटी क्लास का क्वेश्चन है। अब 2 पाई कॉमन ले लिया हमने, तो यहां सिर्फ आर थ्री रखेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड में भेज देंगे इधर का 2 पाई, तो ये कितना है 19 प्लस 9 कितना होता है 28 होता है अपॉन 2 पाई एज इट इज, 2 पाई से 2 पाई कट गया, आर थ्री कितना आ गया 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर आर थ्री आ गया। तो आप लिख सकते हैं अब क्या पूछा गया था कि भाई फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, हाँ तो आप लिखेंगे देयरफॉर द रेडियस
ऑफ थर्ड सर्कल इज 28 सेंटीमीटर. दैट्स इट. नोट डाउन कर लीजिए. ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है. तो मैंने ये इसलिए करके दिखाया, आपने कर लिया होगा, लेकिन कई बच्चों ने डायरेक्ट भी कर दिया होगा, है ना, बिल्कुल दो लाइन में खत्म कर दिया होगा. तो जो गिवन है प्रॉपर लिखेंगे. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए क्या गिवन है. पहले सर्कल का रेडियस, दूसरे सर्कल का रेडियस, तीसरे का निकालना है, फिर पहले सर्कल का सर्कमफेरेंस, दूसरे सर्कल का सर्कमफेरेंस, और फिर क्या गिवन है, तीसरे सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो पहले और दूसरे के बराबर है. ये सब लिखना है बच्चों आपको, है ना, उसके बाद ही आप इसको प्रॉपरली सॉल्व कर पाएंगे. तो इस तरह से आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में. नोट डाउन कर लीजिए इसको. तो बच्चों चीजें क्लियर हैं, कर लिया आप सबने नोट डाउन. अब ऐसा ही क्वेश्चन देखिए मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है. सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल डिट्टो तो नहीं है लेकिन लगभग मिलता जुलता सा है. तो ये आप खुद करेंगे तभी आपको पता भी लगेगा कितना समझ में आया है, और रिवाइज करेंगे जो कॉन्सेप्ट हमने किए हैं. क्या बोला गया क्वेश्चन में समझा देता हूं. द रेडियस ऑफ टू सर्कल, सर्कल्स आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सर्कल्स. यानी दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है. यानी आपको दो सर्कल्स दिए गए हैं बच्चों, ठीक है, एक का 8 सेंटीमीटर रेडियस है और दूसरे का रेडियस है 6 सेंटीमीटर. यानी एक थोड़ा बड़ा वृत्त है, एक थोड़ा छोटा वृत्त है. ये क्लियर है. मान लीजिए इसका 8 सेंटीमीटर है रेडियस और इसका 6 सेंटीमीटर रेडियस है. ये क्लियर है. आपको क्या बोला गया है कि भाई एक ऐसे सर्कल का रेडियस आपको बताना है जो, एक ऐसे सर्कल का रेडियस आपको बताना है, ये रेडियस आपको फाइंड आउट करना है. कंडीशन क्या दी गई है, जिसका एरिया यानी क्षेत्रफल सम ऑफ एरियाज ऑफ टू सर्कल, ये जो दो सर्कल हैं इनका क्षेत्रफल आपको पता है ना, जो बीच का एरिया होता है, क्षेत्रफल क्या है, इन दोनों का क्षेत्रफल का सम जब हम करेंगे तो वो इस थर्ड के बराबर होना चाहिए. ये चीज आपसे यहाँ पे बोली गई है. तो इस बार एरिया है ना, एरिया वन प्लस एरिया टू इज इक्वल टू एरिया थ्री. तो पहले व्रत का एरिया प्लस दूसरे व्रत का एरिया किसके बराबर होगा, तीसरे व्रत के एरिया के बराबर. एरिया का फॉर्मूला आपको पता है ना, पाई आर स्क्वायर. इस बार ये फॉर्मूला लगेगा, दैट्स इट. आंसर आपका निकल जाएगा इजीली, ठीक है बच्चों. तो ये होमवर्क में कर लेंगे आप, आसान सवाल है, नोट डाउन कर लीजिए और होमवर्क में करके लाएंगे इसको, ठीक है. तो अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए. ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है इस एक्सरसाइज का, तो आप अपनी बुक से भी रेफर कर सकते हैं. इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.